दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से बिजली का बिल अपने घर बैठे भर सकते हैं। बिजली का बिल घर बैठे भरने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेना है। आप देख रहे हैं सावजी टेक्निकल। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले आपको क्रोम में आ जाना है। मैं सबसे पहले चलिए क्रोम में खोल लेता हूँ। यहाँ पर आपको लिख देना है JBVNL लिख के आपको सर्च कर लेना है। और यहाँ पर आप पहला वेबसाइट देख सकते हैं JBVNL.co.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पर क्रॉस वाले पर क्लिक करके इसको हटा देना है। फिर आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-4 ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर क्विक बिल, हाई टेंशन बिल, अपडेट मोबाइल नंबर और कस्टमर लिस्ट डिफिकल्ट। यहाँ पर सबसे पहले आपको बिल पे करना है तो आप यहाँ पर क्विक पे बिल पर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप क्विक पे बिल पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको बिल किस तरीके से सर्च करना है, दो ऑप्शन आ जाता है आपको, कस्टमर नंबर या फिर बिल नंबर। मुझे कस्टमर नंबर से सर्च करना है। और यहाँ पर आपको जो भी आपका जो भी डीलर है, जो भी आपका ये का बिजली का, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरा यहाँ पर जो भी है मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर चुका हूँ। और फिर यहाँ पर आपको जो भी कस्टमर नंबर है उसे डाल देना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ सबमिट पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपका पेज कुछ देर लोडिंग होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लीज़ वेट, कुछ देर आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप कुछ देर वेट कर लें, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर नाम नहीं दिखेगा, कस्टमर नेम नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा नीचे आ जाना है स्क्रॉल करते हुए, और आपको यहाँ पर एक नंबर वाले पर क्लिक कर लेना, साइड में आ जाना। और यहाँ पर आपको व्यू दिख रहा होगा, व्यू, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप व्यू पर क्लिक करते हैं आपका जो भी बिल है वो आ जाएगा इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको बिल आ जाएगा। आप चाहे तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप यहाँ से प्रिंट बिल को प्रिंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप दिख रहे होंगे उसके बाद है ऑनलाइन पेमेंट, आपको इस पर क्लिक कर लेना है पेमेंट करने के लिए। चलिए मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। मेरा देख सकते हैं मेरा जो बिल है अभी 376 रुपया है। तो मुझे यहाँ पर सिंपली पेनो पर क्लिक करना होगा बिल पे करने के लिए। मैं पेनो पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर पेनो पर क्लिक करता हूँ मुझे कुछ इस तरीके से दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं मेरा बिल इतने रुपये है। और यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जा रहा है कि मुझे डेबिट कार्ड से देना है या फिर क्रेडिट कार्ड से। तो मैं किसी पे भी सेलेक्ट करके यहाँ पर दे सकता हूँ। मान लीजिए आपको डेबिट कार्ड से देना है तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड पर सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड से देना है तो आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग से भी दे सकते हैं और यहाँ से आप कैश वॉलेट से भी दे सकते हैं। और यहाँ से आप UPI से भी दे सकते हैं। आपको जो भी UPI है आप वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। और यहाँ पर आपको ID डाल देना होगा। फिर आपको यहाँ पर पेन ओपन क्लिक करके आप यहाँ से जो भी आपका बिल है वो दे सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर कोई भी बिल अभी पे नहीं करना है, मुझे बस आपको बताने के लिए था कि आप किस तरीके से बिल पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। सिंपली उसी पर क्लिक करके आपको जो भी डिटेल्स है डाल देना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का। आपको जो भी यहाँ पर कार्ड है वो आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको आपके कार्ड का डिटेल्स डाल देना है। और फिर आप यहां से पेन ऑफ पर क्लिक करके आपका बिल को दे सकते हैं कुछ आसानी से। तो आज के वीडियो के लिए इतनी। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को